नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। तो बुक चल रही है इस समय इनकम टैक्स की, एससी मल्होत्रा 62 एडिशन, ठीक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। और चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में क्वेश्चन नंबर चलेगा 15। 15 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और स्टैंड नीचे करते हैं से। तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा आपको, श्रीकांत फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। पर्टिकुलर्स और ज्वेलरी दे रखी है, जो डिटेल है ज्वेलरी के बारे में है। ईयर ऑफ परचेज, ज्वेलरी कब खरीदी, 2003-04 में। ईयर ऑफ सेल, 2020-21 पे सेल की। बहुत सारा समय हो गया, 3 साल से ऊपर होते ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से हो जाता है मामला, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ही हमारी। कॉस्ट ऑफ परचेज, जब हमने खरीदी 2,18,000 की थी इस 2003-04 में, और जब हम बेच रहे हैं तो हम कितने में बेच रहे हैं, 12,10,000 में। 2020 में कमीशन पेड ऑन सेल, कमीशन भी दिया दस तो कमीशन 10,000 दिया, तो नेट सेल हमारी 12 लाख मानी जाएगी। श्रीकांत परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, समझ रहे हो बात को, नया मकान खरीद रहा, ज्वेलरी बेच के। जस्ट अभी जो लास्ट लाख क्वेश्चन में किया है, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसी तरह हो जाएगा 54F, कि हमने मकान खरीदा 6 लाख का ऑन 15 मार्च 2020 को, आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी बेच के जो पैसा आया उसका हिस्सा कहाँ लगा दिया, मकान में। कितने का मकान खरीदा, 6 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं और हमें सॉल्व करना है, ईजी है, करके दिखाएं, शुरुआत करें। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कंपोटेशन, ठीक है, कंपोटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, सॉरी 21-22, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने बेचा क्या, ज्वेलरी बेची है, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ ज्वेलरी। तो सेल ऑफ ज्वेलरी में हमने देखना है कितने रुपए मिले थे, 12,10,000, ठीक है। अब लेस हमने क्या दिया, कमीशन पे किया, कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल कितना दिया हमने, 10,000। कमीशन देने वाला जो पैसे बचे वो है 12 लाख, इसे बोलते हैं नेट सेल कंसीडरेशन, नेट सेल्स कंसीडरेशन। दिखाई भी दे रहा, नहीं दे रहा, बहुत छोटा लिख दिया हमने, नेट सेल कंसीडरेशन है, थोड़ा आवाज़ भी ध्यान दे रहा। अब ये तो हमने लिख दिया कि भाई हमारा ज्वेलरी भी की और 10,000 रुपये कमीशन दिया, तो बचे कितने, 12 लाख, ये हमारा नेट पैसा बचा। अब ये ज्वेलरी बेची है, कभी ना कभी खरीदी थी, तो इसका इंडेक्स वैल्यू निकालो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये चीज़ हमने खरीदी थी 2,18,000 की, और वो सन था हमारा 2003-04, और उसमें इंडेक्स नंबर चलता है 109, 109 और 301 से मल्टीप्लाई कर दो तो आज के टाइम का आ जाएगा 2,18,000 डिवाइड बाय 109 इंटू 301, 6,02,000 आ जाएगा, 6,02,000। तो 6,02,000 वाली चीज़ हमने 12 लाख में बेची थी, अब भी फायदे में चल रहे हैं ना। ये आ गया 5 लाख, सॉरी क्या लिख रहा था मैं, 5,98,000 का आ गया, एक तरह से कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया, कैपिटल गेन। अगर हमें टैक्स से बचना है तो इस पैसे को ठिकाने लगाना पड़ेगा, LT है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन टैक्सेबल कैपिटल गेन जब निकलेगा, जब हम एग्जेम्पशन वगैरह खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे बदले में मकान खरीदा तो लेस, दोबारा लिख दिया मैंने यार, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, क्योंकि हमने ज्वेलरी बेच के मकान खरीदा, 54F लगेगा। अब बात आती है, ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, हमने मकान खरीदा 6 लाख का, और जो हमने नेट सेल कितनी आ रही है, यहाँ देखो 12 लाख ज्वेलरी बेच के, तो 12 लाख से तो कम है 6 लाख, तो मतलब फॉर्मूला लगेगा। अगर मकान खरीदते 12 लाख का या फिर 13 लाख का, तो उस केस में क्या होता है, हमारा पूरा पूरा 5,98,000 का एग्जेम्पशन मिल जाता है, जैसे पीछे मिला है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस परचेज, इसके लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ
न्यू हाउस कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन नेट सेल्स कंसिड्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब कैपिटल गेन तो 5,98,000 था, नए हाउस की कीमत थी 6,00,000 और नेट सेल कितना था 12,00,000। तो ये हो जाएगा इनटू ई ना दे दिया गया, वही है इसका आधा करते 6,299 आएगा। ठीक है, और 2,598 में से 299 जाएगा तो 299 ही बचेगा। ठीक है, ये है आपका टैक्सेबल, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा टैक्सेबल, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इस तरीके से बताओ बेटा, समझ में आया? दीपक तुम्हें आ गए ढंग से? कोई दिक्कत तो नहीं? ये बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका, कि सबसे पहले हमने ज्वेलरी बेची, कितने बेची? 12,10,000 में, और बेचने के बाद हमें कमीशन देना पड़ा कितना? 10,000 रुपये। तो कितना पैसा बचा हमारे पास देने के बाद? 12,00,000 रुपये। ये ज्वेलरी हमने कभी खरीदी थी 2,18,000 में, उस समय इंडेक्स नंबर था 109, आज के टाइम में 301, मल्टीप्लाई किया आ गया। फिर है भाई, हमने हमारा तो एक तरह से गेन यही हो गया, अगर हम बदले में ना खरीदे कुछ, अगर मकान खरीद रहे हैं, मकान ना हो तो मकान अगर खरीद रहे हैं, उस केस में हमें क्या होता है, एग्जम्पशन 54F के अकॉर्डिंग मिलती है। अब उस पर भी देखना होता है कि फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। नया मकान जो हम खरीद रहे हैं वो 6,00,000 का है, अगर वो 6,00,000 आपके नेट सेल कंसिडरेशन से कम है तो फॉर्मूला लगेगा, और नेट सेल कंसिडरेशन में बराबर हो या फिर ज़्यादा हो तो उस केस में पूरा पूरा ये जो कैपिटल गेन है पूरा पूरा माफ़ हो जाता है, यहाँ लिख के फिर निल आता आंसर। ठीक है, तो अभी क्या है, कम था 6,00,000 तो हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप की, और फिर हमारे पास आंसर आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप लोग भी लिख लीजिए इसे आराम से, मैं वेट करता हूँ, क्योंकि एंड स्क्रीन वगैरह आने लगती है फिर आप लिख नहीं पाते। और कोई भी अगर दिक्कत लग रही हो, क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। और जो बच्चे देखते हैं वीडियो, मैं उनसे कहूँगा यार पूरा वीडियो देखा करो, और स्किप करके मत देखा करो, और स्पीड बढ़ाकर मत देखा करो। कई बार होती कोई चीज़ें, मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उन्हीं में समझा देता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, कैसे होगा। तो जब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ये कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया, तो वो पॉइंट लगभग मैं या तो वीडियो में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बता देता हूँ, या फिर सॉल्यूशन जब करता हूँ तो उस समय बता देता हूँ, क्योंकि मैं बताया बच्चे कहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं, तो उस चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम दोबारा वीडियो अपनी देखेंगे तो वो यूट्यूब के नियम के खिलाफ है तो देख नहीं पाते, इसलिए हमें कई बार चीज़ रिप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है कि वीडियो देखें ना देखें कैसे करें, खुद नहीं देख सकते अपनी वीडियो, इसीलिए। तो थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, देखा करो वीडियो पूरी पूरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप आधा जल्दी जल्दी स्किप कर देख लेंगे फिर बाद में दोबारा वीडियो देखेंगे तो उसमें फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, एक ही बार में आप समझ सकते हैं, टाइम बचेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।